ओम नमः सत्यदेव। हरि हंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लीते उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई सुनी को चारी है। धन धन तिन ही से काज सब राज भरे कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्रिय चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ जीवंदर कुमार गोविंद राज नामक राजा के साथ में राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। प्रस्थान करने के पूर्व ही उन्होंने मिलकर अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों की पूजन आराधना की, भक्ति की, योग्य पात्रों को दान दिया। ऐसे विशेष उत्तम कार्य करके वे निकले तो यहाँ नीतिकार ऐसा कहना चाहते थे कि निश्चित ही उनका कार्य सफल होने वाला है। कि आपने कैसे कहा कि जो देवशास्त्र गुरु की आराधना रूपी कार्यों में संलग्न हो उसके कार्य की सफलता होती ही है, तो इस तरह की बात नीतिकारों ने कही। इस श्लोक की जब व्याख्या हम यहाँ पढ़ रहे थे तो एक अपवाद की चर्चा भी यहाँ कर ली। अपवाद माने इस बात को नियम मत समझ लेना, क्योंकि कभी ऐसा भी हो कि आपने नमोकार मंत्र भूलकर भगवान की भक्ति पूजन करके किसी कार्य को शुरू किया हो और वो कार्य सफल ना हो तो फिर आपके मन में विरोध का भाव आ जाएगा। फिर आपके मन में ये आएगा कि यार ये तो फिर झूठा है, तो गड़बड़ है फिर मामला, अरे बेकार है यार, मैंने भगवान की पूजन करके किया फिर भी भगवान ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, ये तो सहज ही इस तरह का संबंध है जिसकी बात जिसका उल्लेख यहाँ किया गया था। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय का यह प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया गया। मैं उसी प्रसंग को जिसे कल अंतिम चरणों में पढ़ा था उसे पढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। पेज नंबर है 469 नंबर पेज है। देखिए जरा आगे क्या कहते हैं इस संबंध में। वर्तमान में पुण्य कार्य हो और उसी समय पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने तो कार्य किया वर्तमान में, अरे साहब देखो शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे और फिर भी चोरी हो गई, देखो आप ऐसे अच्छे काम के लिए निकले थे फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार। पुण्य कार्यों के करते करते भी ये पाप कर्म का उदय तो आ ही जाता है ना। यात्रा के लिए जाने वालों की बस खाई में गिर जाती है, और ऐसी गाड़ियों में भगवान की भक्ति भजन गाते हुए लोग जा रहे हैं उसके बावजूद दुर्घटना हो जाती है, तो फिर आखिर ऐसे कार्य भी तो होते हुए दिखाई देते हैं। आप सोचिए यदि ये कर्म सिद्धांत ना हो तो हमारी पूरी की पूरी श्रद्धा फेल हो जाए। कुछ मरते कुछ बच्ची की जाती, यदि कर्म सिद्धांत को हम स्वीकार ना करें तो हमारी मान्यता के ऊपर इतनी बड़ी चोट पड़ेगी कि यार ये धर्म वर्म सब बेकार है, ये देखो धर्मात्माओं का क्या हाल हो रहा है, देखो इनके साथ लास्ट में क्या परिस्थिति बनी। अरे भाई अभी का फल आगे मिलेगा, अभी जो फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ये पूर्व के बंधे हुए का फल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कितनी सुंदर बात कह दी है, संकट का संकट परिहार का
और अनुकूल कार्य होने का नियम नहीं है। आप इसको नियम नहीं बना सकते कि इसका मतलब हमने देखो साहब पूजन करी हमने, अब तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदे और नमोकार मंत्र पढ़ के खरीदे तो उसके तो लॉटरी खुल जाएगी। पर चार लोग नमोकार मंत्र पढ़े तो किसके निकलेगी? माने बहुत तरह की बातें हो सकती है। देखिए उदाहरण दिया है इन्होंने पांडव बोले रायों का, टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 171 से लेकर 174 तक के बीच में ये प्रकरण आया है। वहां पांचों पांडवों ने मुनि जीवन में महाव्रत रूप पुण्य कार्य, महाव्रत ये पुण्य कार्य है, और वीतराग धर्म प्रकट किया, वीतराग धर्म प्रकट किया, परंतु उनके पूर्वबद्ध कर्म का उदय न होने से अग्नि पानी को परिणमित नहीं, आग में जलाया गया ना उनको। नहीं नहीं ये तो महाव्रतों की चर्चा कर रहे हैं, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए थे ये जो पांडव मुनिराज यहाँ खड़े हुए हमारे इस चित्र में, पांचों पांडव मुनिराज खड़े हुए हैं शत्रुंजय पर्वत के ऊपर, पालीताना के पास है शत्रुंजय, उस पहाड़ी पर पांच पांडव मुनिराज खड़े हुए हैं, और कौरव जो थे कितने भाई थे कौरव? 100 थे, वे 100 के 100 मर गए युद्ध में, महाभारत के युद्ध में वे 100 के 100 मर गए साध्य। फिर क्या हुआ तो उनके मर जाने के बाद उनका जो दुर्योधन का भांजा था उसने इन पांचों पांडवों को मुनि अवस्था में तप करते हुए देखा, मुनि अवस्था में देखा, ये ध्यान कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने जिनकी वजह से मेरे मामा मर गए, ये भी थे तो मामा ही, लेकिन बोले इन्होंने मेरे मामाओं को मार दिया, 100 के 100 को बदला लेने का समय आ गया, तो क्या करें। उधर वहां किसी के यहाँ मकान बन रहे थे तो लोहे के सरिये रखे हुए थे, क्या तो लोहे के जो सरिये रखे थे ऐसे लंबे लंबे, उनको उसने आग जलाई और आग जला करके उन सरिये लोहे के उनको इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि वे लाल हो गए, और फिर किसी उससे चीज से पकड़कर संडा सादी से पकड़कर उससे पकड़कर उसको गोल घुमाया और गले में पहनाया, गरम गरम शरीर में पहना दिया, ऐसे ऐसे कुंडल जैसे बना दिए और हाथ में ऐसे कड़े जैसे पहना दिए या बाजू बंद पहना दिए, ऐसे गरम गरम लोहे के लाल सुरख लोहा, सारा शरीर जल गया उनका पांडव मुनिराजों का। ये कह रहे हैं जब उनका शरीर जल रहा था, जब इतने गरम गरम लोहा उनके ऊपर डाला जा रहा था, तब उनकी वो लोहे की अग्नि वहां पानी क्यों नहीं हुआ, ये बताओ। वे तो इतने धर्मात्मा लोग थे, वे तो मुनिराज थे, ऐसा हो जाना चाहिए था, पुण्य भी बहुत बांध रहे थे, महाव्रती थे और सच्चा धर्म भी हो रहा था, वितरकता रूप धर्म, ये नहीं हुआ। ये कह रहे हैं यहां क्योंकि उनके पूर्वबद्ध पाप कर्म का उदय था, पहले के बंधे हुए पाप कर्म का उदय था। ये तो एक उदाहरण टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है, आप 1000 उदाहरण देख सकते हो। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूं निहाल जी साहब, ऐसी बात बोलता हूं मैं कि जो लोग भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेकर अपने संकट से बचने की बात करते हैं, मैं कहता हूं स्वयं पार्श्वनाथ के ऊपर संकट आया, वो क्यों आ गया? वो तुम्हारा संकट क्या दूर करेंगे, खुद के ऊपर ही संकट आने से रोक नहीं सके। गंभीरता से विचार करने की बात है भाई, वे पार्श्वनाथ स्वामी भी मुनि अवस्था में जब बैठे रहे तो उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ ना, बचा लेते देखे, नहीं होने देते, कमट को पत्थर नहीं बरसाने देते। प्रथमानु योग में कितने प्रसंग मिलते हैं मुनिराजों की, यदि मैं चर्चा करने लगूं तो लाइन लगा करके 200 उदाहरण दे सकता हूं। जैसा कौरवों पांडवों का उदाहरण दिया है, ऐसे ही सुकुमार मुनिराज को 3 दिन तक शालिनी खाती रही मुनिराज अवस्था में, बागलिंगी संत अवस्था में, सुकौशल मुनिराज को बाघ ने खाया, बोलो। गजकुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जला दी गई,
यशोधर मुनिराज उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया गया, घाणी में पेल दिए गए मुनिराजों को, पार्श्वनाथ जैसे मुनिराज के ऊपर कमट के उपसर्ग के की दशाएं, कितने प्रसंग मिलेंगे आपको, गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई, कैसे कैसे घाणी में पेल दिए जाते, कितने बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको, मुनि अवस्था भावलिंगी संत वीतरागी संत और उनके साथ ऐसी परिस्थिति, ये कैसे हो रहा है। आप कहेंगे साहब इतने धर्मात्माओं पर भी इतने संकट, तो हम क्या धर्म करने से हमारे क्या लाभ मिलेगा, हम धर्म कर रहे हैं हमें क्या लाभ मिलेगा, इनके ऊपर ही इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुन भाई, ये कर्म का उदय किसी को छोड़ता नहीं है, पूर्व के बने हुए पाप कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ेगा। ऋषभ देव स्वामी को 6-6 महीने तक आर की विधि नहीं मिली, 6 महीने तो उठे ही नहीं, 7 महीने और 9 दिन आर की विधि नहीं मिली, 13 महीने 9 दिन निजत्ति और निकाचित, ये दो प्रकार की कर्म प्रकृतियों के इस तरह के परमाणु होते हैं कर्मों में, जिनका फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है ना, उनमें निदत्ति और निकाचित नाम किए कुछ परमाणु होते हैं, कुछ जाति के विशिष्ट जाति के, उनका फल भोगे बिना ये जीव आगे नहीं बढ़ सकता, वो भोगना ही पड़ता है। पुण्य रूप भी है पाप रूप भी है, कोई 148 कर्म प्रकृतियों में निदत्ति नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है, निकाचित नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है, लेकिन उन्हीं कर्म वर्गणाओं में कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनका फल मिलता ही मिलता है। नहीं होता है, नहीं होता है, वो भी अलग अलग है, नहीं वो भी नहीं होता, नहीं देखो आप अलग अलग है उसकी स्थिति। यहां क्या कह रहे हैं, अनुव्रति, अब देखो हम उल्टा अब इसके विपरीत चल रहे हैं, अनुव्रति थी महाव्रतियों पर तो उपसर्ग हुआ और अनुव्रति की रक्षा कर रहे देव आ गए, ये क्या उल्टा मामला है, कम धर्मात्मा जीव की रक्षा कर रहे तो देव आ गए और ज्यादा धर्मात्मा जीव की रक्षा करने के लिए आए नहीं, ये क्या है चक्कर। अनुव्रति एवं शीलवती सीता के आर्य, अनुव्रति एवं शीलवती सीता के पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणत हो गई, पुण्य कर्म के उदय से, कर्णानुयोग कह रहा है, देवों ने अग्नि का जल कर दिया, प्रथमानुयोग कहता है, शील का प्रभाव ही ऐसा था कि अग्नि को भी जल होना पड़ गया, चरणानुयोग कहता है, और अग्नि के परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की योग्यता हो तो कौन रोके, ये द्रव्यानुयोग कहता है, घटना एक देखने के नजरिए चार, परिस्थिति एक नजरिए चार, एंगल चार, बात आप कौन से एंगल से देख रहे हो, चारों में से कौन सी बात सच्ची है, देवों ने किया या परमाणुओं की योग्यता थी, शील के प्रभाव से हुआ या पुण्य के उदय से हुआ, बोलो साहब, द्रव्यानुयोग वाली सच्ची तो चारों हैं, एंगल अपना अपना है, लेकिन वो जो द्रव्यानुयोग वाली बात है वो अकाट्य है, वो सैद्धांतिक है, वो परम सत्य है, वो वास्तविक कथन है, वेद विज्ञानी जीवों की दृष्टि उस परम सत्य के ऊपर होती है, उस परमार्थ वचन के ऊपर होती है, वे उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो अनुव्रति सीता पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणमित हो गई, अग्नि परिणमित बदल गई पानी रूप, आप होंगे यार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, अरे भाई पुद्गल पुद्गल है, कौन कब कैसा बदल जाए सोच नहीं सकते आप, अग्नि पानी हो जाए, लोहा कोयला हो जाए, कोयले से डायमंड बन जाए, डायमंड से गोल्ड हो जाए, ये सब हो जाता है, ऐसा चिंता मत करो, आपकी तिजोरी में रखा हुआ नहीं होगा, आप तो ऐसे बिल्कुल इतना जल्दी नहीं, लेकिन बरसों लग जाते हैं, और पाप कर्म का उदय हो तो ऐसा हो भी जाता है, क्या उड़ जाता है,
गायब हो जाता है, चले जाता है, चोरी चला जाता है। उदय बदल जावे तो चोरी चला हुआ चोर वापस लौटा करके चला जाता है। बोलो आप, सारा कैसा उदय का खेल दिखाई देता है। यहाँ तो कण कण की स्वाधीनता की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, एक एक परमाणु परमाणु स्वाधीन है। एक पुद्गल के परमाणु को अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करने में कौन रोक सकता है? किसकी ताकत है जो उस पुद्गल के परमाणु को रोकेगा? बोलो, शरीर के एक एक परमाणु की जैसी स्थिति होनी है, कौन बदले? किसकी ताकत है? तुम्हारी ताकत हो तो बदल करके दिखा दो। इसके बाल अच्छे दिख रहे हैं, इनके कम दिख रहे हैं, मेरे इनके जैसे हो जाए, इनके इनके जैसे हो जाए, कौन किसको बदले यार? बदलाओ, सबके दांत एक जैसे नहीं और सबकी आंखें एक जैसी नहीं, सबके कान एक जैसे नहीं, सबके बाल एक जैसे नहीं, बालों की संख्या एक जैसी नहीं। आपको ही नहीं पता आपका कौन सा बाल कब कहाँ उड़ रहा है और कौन सा जा रहा है और कौन सा कैसा परिणमन कर रहा है, किसमें से दो मुंह निकल रहे हैं, कौन सा आधा काला और आधा सफेद हो रहा है। ये स्वाधीन है। एक एक चीज ये पानी रूप परिणमित हो गई, अग्नि अग्नि पानी हो गई, पानी अग्नि हो जावे पाप कर्म का उदय, तो पानी में पैर रखे और जलने लग जावे पाप कर्म का उदय हो तो ऐसा हो जाए। बोलो, पानी पीवे और जहर का काम करे, जहर पीवे और पानी हो जावे। क्या क्या है वास्तव में जगत का सब, रोजाना हमारे को इस तरह के खेल और इस तरह के नाटक दिखाई देते हैं पूरे दुनिया भर में, लेकिन वस्तु स्वरूप समझने की तरफ हमारी बुद्धि नहीं दौड़ती है, उपयोग इधर नहीं लगता है कि यार ये क्या वस्तु स्वरूप है, ये बात कितनी गजब की है। नहीं आती है। क्या कह रहे हैं भाजी? ज्ञान में आते हुए भी श्रद्धा में नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि उसे सिर्फ ज्ञान का गेय बनाते हैं, हम उस पर विचार नहीं करते। जिस वस्तु विषय वस्तु के बारे में बार बार गहराई से विचार किया जाता है वो बात श्रद्धा तक पहुंच जाती है। श्रद्धा में ज्ञान का जोड़ती है। बोलो, ज्ञान में श्रद्धा का जोड़ती। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके विरोध में चल रहे हैं, बराबर? अभी उन्होंने आपका विरोध किया, आपके ज्ञान का विषय बना, लेकिन वो बात आपके ज्ञान के विषय के साथ साथ चिंतन का विषय बन जावे तो आपकी श्रद्धा में बैठ जाएगी कि ये तो मेरे दुश्मन ही है। आप समझ रहे हो? वो ज्ञान का विषय बनने के बाद क्या होता है, आधे घंटे बाद में, अरे राजा बेटा कोई बात नहीं, तू तो बैठ बेटा कोई बात नहीं, गुस्से में कह दिया था तूने, कोई बात नहीं, तो वो आ गई हो जाता है। अब वो जो ज्ञान का विषय बना था, अब यदि वो धारावाहिक रूप से वो चिंतन का विषय बनता रहे, यो है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, ये बात जब ख्याल में आए गहराई से विचार चिंतन करने पर तो बात समझ में आती है। भाई साहब, कौन किसका, किसकी पत्नी, किसका पुत्र, किसके माँ बाप, किसके भाई बहन, किसके सगे संबंधी है? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, फिर जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता अब बनाना पड़ा। जिनके हम पिता थे किसी जमाने में, किसी काल में जिनके पिता हुआ करते थे, आज उन्हीं को अपना पिता बनाना पड़ा। जो हमारी पत्नी थी वो मर करके बहन हो गई, जो बहन थी वो मर करके माँ बन गई, जो माँ थी वो मर करके पुत्री बन गई। अरे अनादि संसार परंपरा में ये कितने परिवर्तन नहीं होते हैं, ये सारे परिवर्तन अनादि काल से होते आए हैं। इसलिए हे जीव, तू सावधान रहे, तू सतर्क रहे, कौन कब किस रूप परिणम जावे, किसका परिणमन कैसा हो जावे, जो तुम्हारा दुश्मन हो वो तुम्हें बचाने के लिए आ जावे। बोलो, वही तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जावे। जो तुम्हारे अपने हो वही तुम्हें जान से मार देवे। ये जगत का ऐसा स्वरूप है। रामचंद्र जी और सीता, अपने मतलब राम सीता भरत जी, ये दो चार उदाहरण दिखते हैं। ऋषभदेव मारीच जी, इनको घुमा फिरा करके देख लो आप, कहीं ना कहीं इनके जीवन की घटनाएं तो देखो आप, ये वही रामचंद्र जी हैं जंगल में छुड़वा रहे हैं, जो जिन्होंने बिना सूचना के सीता को
सेनापति के हाथों तीर्थ वंदना कराने के बाद जंगल में छुड़वा दिया। ये वही रामचंद्र जी हैं जो 6 महीने तक रावण की सेना से युद्ध करके बचा के लाए थे। बोलो, 6 महीने जब सीता रावण के यहां अशोक वाटिका में रही लंका में, उसे पता नहीं था कि रामचंद्र जी आ गए हैं बचाने के लिए, उसे पता नहीं था कि वे बचा के ले जाएंगे, उसे पता नहीं था कि रावण की सेना के साथ में युद्ध चल रहा है। 6 महीने हो गए युद्ध चलते हुए, सीता को इस बात की खबर नहीं है। 6 महीने उसकी क्या दशा हो रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। और जब बाद में इस बात का पता लगा, जब रावण मारा गया और रामचंद्र जी ने जाकर के सीता के सामने आए, तो उसे कैसी फीलिंग हुई होगी कि ओ हो, ऐसे पति दुनिया में सबको मिले हैं, ऐसे इतने ऐसे गजब, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, दुनिया में किसी का ऐसा पति नहीं होगा, कैसी फीलिंग हुई होगी उसको। 6 महीने तक युद्ध करके मुझे बचा करके लाए, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि तू देख अभी थोड़े देर में थोड़े दिन में पता लगेगा तेरे को कितना प्रेम करते। समय बदलते देर नहीं लगती था, कब समय बदल जावे। अभी अभी ये जो आपको दशा दिखाई दे रही है, कितना पुण्य का उदय, कितनी भाग्यशाली, अरे उसने तो सोचा भी नहीं होगा, उसको तो लगा होगा कि मैं तो यहाँ बस, वो तो मेरे पति तो दूर हो गए, पति और देवर तो, और मैं रावण के साथ में यहाँ, ये मैं तो जिंदगी यही बिता दूंगी, मेरी तो अभी ये बुढ़ापा यही बीतेगा और यही प्राण निकल जाएंगे मेरे, तो क्या होगा, मेरी जिंदगी ऐसे ही पूरी होगी। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए, महीने, 2 महीने, 6 महीने, किसे कहते हैं, कल्पना करो आप, 6 महीने, 6 महीने तक कोई संदेश नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है, और अकेली बैठी है। और रोज रावण आता है, तूने क्या विचार किया तूने विचार किया या नहीं, और रोज वही दहशत, आज फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, मैं क्या करूं। बोलो, मर मर के जी नहीं होगी क्या, वो कैसे जी होगी वहां पे। और जब रामचंद्र जी आ गए तो कितनी गजब की फीलिंग हुई होगी, आप कल्पना करो, बचा करके ले गए, अब वापस 14 वर्ष का वनवास भी कट गया, रावण के यहां से भी बच गए, और अब तो राजमहल में जाकर के रहेंगे, वाह मजा आ गया, समय बदल गया, इतना प्रेम करने वाले, एक वाक्य नहीं पूछा, किसी से बात नहीं की, जंगल में छुड़वा दिया। ये दुनिया का हाल है, देख लो आप, ऐसे ऐसे और दिखाऊं आपको, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। पवनंजय, अरे कितना प्रेम करने वाले हैं, ऐसे दीवाने कहां मिलेंगे आपको। और फिर क्या हुआ, शक्ल नहीं देखी, लो साहब भेजो गया। ये प्रथमानुयोग क्या सिखा रहा है, ये प्रथमानुयोग क्या बतला रहा है, ये घटनाएं हमारे को क्या शिक्षा दे रही है कि भाई जब तक समय अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आत्म कल्याण की तरफ लग जा, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय बहुत बलवान है। काल लब्धि और होनहार ये कमजोर नहीं है, होनी को टाल नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। समय एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे, कौन सा परमाणु कब कहां बदल जावे। बोलो, अच्छी चीज, अच्छी अच्छी चीज भी खाए थे लड्डू और 10 तो लग गए, ये क्या हुआ, एक लड्डू क्या खा लिया कि ये तो इतनी डायबिटीज बढ़ गई कि लो अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, दिमाग में चढ़ गई, कोमा में आ गए, परेशान हो गए, ये क्या हो गया, ये बतलाओ मेरे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और क्या इलाज किया और क्या हो गया, ये कैसे हो जाती है ये सारी बातें। एक घटना याद दे दी इन्होंने, भाई साहब सुनो, वापस सुनो, अणुव्रति एवं शीलवती, अणुव्रति और शीलव्रति नहीं, शीलवती, पहले व्रति है बाद में वती है, अणुव्रति एवं शीलवती, सीता के पूर्ववत पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणत हो गई। अभी तो घटना और, जंगल में छुड़वाने के बाद 22 साल निकल गए, 20-22 साल, लव कुछ बड़े हो गए,
जवान हो गए। अब रामचंद्र जी मिले और देखते अरे मेरी सीता, और सीता को भी लगा अब तो इतनी सजा दे दी, इससे ज्यादा क्या सजा देंगे, क्या अब तो ले लेंगे, बच्चे मिल गए, इतने बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो बातें पुरानी हो गई, वो सब बातें अब तो ले चलेंगे राजमहल में। लेकिन फिर क्या बोलते हैं पलट करके, नहीं पहले अग्नि में कूद करके देखा तू पवित्र होगी तो लाऊंगा। पहली बारी तो हो रही है, रावण के आने के बाद नहीं हुई, रावण के आने के बाद तो महलों में रही सीता, रामचंद्र जी के साथ में रही, लवकुश गर्भ में आ गए, फिर जंगल में छुड़वा दिया, फिर लवकुश जब बड़े हो गए और फिर जब जंगल से जब वापस लौट करके आई लवकुश के साथ में, तब रामचंद्र जी ने कहा कि अब पहले अग्नि परीक्षा, अब कुछ नहीं, बस अग्नि में तू कूद जा और तू यदि शुद्ध निकलेगी तो फिर राजमहल में रहेंगे अपना आराम से। फिर वो दादा के द्वारा लिखा गया वो पश्चाताप खंड लगा के पढ़ो, अरे जो अग्नि परीक्षा तुम आज ले रहे हो ये अग्नि परीक्षा 22 साल 20 साल पहले भी हो सकती थी। रावण क्या लिखा है, अकेले निर्जन वन में मुझे छोड़ दिया, ये तो कुछ न्याय नहीं। सेनापति को तो बैराग्य हो गया, कैसी कैसी घटनाएं घटती है, ये अग्नि परीक्षा भी हुई तो अग्नि का जल बन गया। इस घटना को देखकर कोई शीलवान और शीलवती अग्नि में कूदने का प्रयास न करे, क्या क्या अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, जला के खाक कर देगी अग्नि क्या, कि नहीं नहीं सीता, अरे जिसके पुण्य का उदय जैसा होता है वैसा वस्तु का परिणमन होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीता अग्नि में कूदती और वो सीता का तो चीलता, अरे भाई जल भी सकती थी लेकिन वो नहीं जली, ऐसा ही पुण्य कर्म का उदय था, वो अग्नि परिणमित हो गई, कैसे पानी रूप परिणमित हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात वर्तमान कालीन दान पूजा देख मांगलिक शुभ कार्यों से सभी कार्य संपन्न हो ही जाते हैं, ऐसा सर्वथा नियम नहीं है, दान देने से आपका काम सफल हो जाएगा नियम नहीं है, लेकिन मुख्यता से बात है, नियम नहीं है लेकिन अच्छे कार्य का तो अच्छा फल मिलता ही है। भैया अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, अच्छा चिंतन करो, भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, उनका गुणानुवाद करो, उनके स्वरूप का चिंतन करो, बाद में मिलेगा, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, आत्म स्वरूप का चिंतन करो, वेद विज्ञान करो, शांति से बैठ करके वस्तु स्वरूप का गहराई से विचार करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, ये सब बातें सिखा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कह रहे भाई साहब नियम तो नहीं है, ये बात इसलिए कह दी है क्योंकि आपको कहीं गलत फहमी नहीं हो जाए, किरणोकार मंत्र पढ़ के कोर्ट में गया था हार गया, ये गलत फहमी नहीं हो जाए आपको। देखिए आप आगे बढ़ते हैं, वर्तमान कालीन दान पूजा दिख शुभ कार्यों से कार्य संपन्न नहीं होते, क्या कह रहे हैं यहां पर, दान पूजा आदि जो शुभ कार्य हैं इन शुभ कार्यों के करने से कोई कार्य संपन्न हो जाते हो ऐसा नहीं है, कार्य संपन्न नहीं होते, ऐसा जानकर दान पूजा आदि कार्यों से उदास होकर पुण्य के प्रति अविश्वास करना भी अनुचित है। देखना क्या कह रहे, पहले इन्होंने कही दान पूजा आदि कार्य किए तो काम सफल हो जाएगा नीतिकारों ने कही, फिर विशेषार्थ लिखते हुए इन्होंने सीता का उदाहरण और पांडवों का उदाहरण देकर के कह दिया, बोले इससे कार्य होता हो इसका नियम नहीं है, तो फिर हमने अपना विचार बदल दिया, अब विचार बदल लिया तो फिर कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि तू पूजा आदि से विरक्त हो जावे, इनके प्रति तेरे को अविश्वास हो जावे, फिर बात बदल रहे क्या क्या कहते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ जैन दर्शन में अनेकांत है, सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टि में अपेक्षित है,
हमारे यहां सर्वथा के नियम का त्याग है, सर्वथा नहीं है। जो बात जिस प्रसंग में जैसी कही गई हो उस बात को उस प्रसंग में उसी प्रकार की समझ लेना चाहिए। अपेक्षा के बिना समझ में नहीं आएगी। सुंदर सुंदर वाक्य हैं, गहरी पंक्तियां हैं, बोल्ड करके कह रहे हैं। देखो आप बोल्ड होकर के स्वीकार करना बात। वर्तमान कालीन दान पूजा आदि शुभ कार्यों से कार्य संपन्न नहीं होते, नियम नहीं है ऐसा कहा था ना ऊपर, संपन्न नहीं होते, ऐसा जानकर दान पूजा आदि कार्यों से उदास होकर पुण्य के प्रति अविश्वास करना ठीक नहीं है। पुण्य के प्रति अविश्वास मत करना, अरे यार मैंने तो इतना दान दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, अविश्वास हो गया। मैं तो इतने समय से धर्म कर 15 साल से रोजाना पूजन कर रहा हूं, भगवान की पूजन 15 साल से कर रहा हूं, पक्षाल करते हुए तो 20-21 साल हो गए मेरे को, एक दिन भी नादा नहीं की। और मुझे ऐसा लगता है यदि मैं नहीं करता तो कौन करता, भगवान बिना नहाए बैठे रहते। मैं यदि पक्षाल नहीं करता तो भगवान का क्या होता बेचारा, बोलो। अरे भाई सुन, ये सोचने की जगह ये सोच, यदि मैं ये पक्षाल नहीं करता नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, भगवान का क्या होगा, उसकी उसकी मत सोच। क्या भाई साहब, वो तो हमारे यहाँ का प्रवचन सुनने के लिए, हम नहीं आते तो तुम किसको सुनाते। क्या भगवान रोजाना आकर के आपकी पूजन करता हूं, मैं रोजाना आकर के आपकी पूजन नहीं करता तो कौन तुम्हारी पूजन करता, ये तो बताओ। हम आ जाते हैं नहीं तो मंदिर खाली पड़े रहते। कि सुन भाई, भगवान की मत सोच, वे तो 3 लोग के नाथ हो गए, तो अपने बारे में विचार कर कि मैं नहीं करूंगा तो 4 गति 84 लाख योनियों में मेरा क्या होगा, भगवान का क्या होगा ये विचार करने की बात नहीं है, मेरा क्या होगा ये विचार कर। क्या मैं पढ़ लिख करके खूब कमाने लग जाऊंगा तो आपका बहुत भला होगा, पिताजी देखना हमारा क्या भला होगा, तू ये सोच, यदि तू नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो तेरा क्या होगा, तेरा भविष्य क्या, तो तू सोच रहा है इनका भला हो जाएगा हमारे भक्ति। क्या होता है कि दूसरे दूसरे के बारे में विचार करता है, ये अपने आप के बारे में विचार नहीं करता। कह रहे तू अपने आप के बारे में विचार कर, अविश्वास करना योग्य नहीं है। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सांसारिक कार्यों को सफल बनाने की भावना से दान पूजा आदि करने की प्रवृत्ति भी गलत है। आपने किया किस लिए था पहले तो ये बताओ, ये नहीं हुआ तो तुमने दान इसलिए दिया था क्या कि मेरे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए? 2000 का दान देकर के 2 लाख का प्रॉफिट चाहता है, बनिया है। 11000 दान राशि देता है, सोचता है 1.25 लाख तक की लॉटरी खुल जाए, बेवकूफ समझ रखा है। मैंने कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात समझा रहे हैं भाई, हमें ये बात बतलाओ, इन सांसारिक कार्यों की सफलता के लिए तुमने दान पूजन अनुष्ठान किया था क्या? तुमने अनुष्ठान किया क्यों था? खेल जीतने के लिए तुमने अनुष्ठान क्यों किया था? अम्मा जी की तबीयत ठीक करने के लिए तुमने किया क्यों था ये बताओ पहले। हिसाब किया तो इसी के लिए था, हमने शांति मिलान तो घर की शांति के लिए किया था, अब शांति हुई नहीं अब क्या करें, हमारा तो शांति मिलान करने बेकार हो गया। 4 घंटे लगाए, इतना पैसा लगाया, इतने लोगों को खाना नाश्ता किया हमने, सब बेकार चला गया सारा पैसा। हम तो सोचे थे कि इससे लॉटरी खुल जाएगी तो सारा वसूल हो जाएगा सब, क्या सारा उसमें से, और ये इतना और चला गया हमारे तो, ये और बेकार काम हो गया। अरे भाई ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसी भावना रख करके पूजन भक्ति करना योग्य नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ टोडरमल जी पेज नंबर 7 कल आपको पेज नंबर बतलाया था 17, आज पेज नंबर बतला रहा हूं 7 नंबर पेज पर, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, उनका उपदेश उनका लाभ ये सब लौकिक पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि होगी, उन जैसा बन जाएगा भगवान बन जाएगा सब बतलाया।
ये प्रश्न उठाया। अरहंत आदि की भक्ति पूजन करने से हमारे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है या नहीं, प्रश्न उठाया टोटरमल जी। अरहंत आदि की पूजन भक्ति करने से, अब थोड़ा विस्तार कर लो, दुकान चलेगी कि नहीं, तबीयत ठीक होगी कि नहीं, ये सारे काम होंगे कि नहीं, बोलो तब करें हम लोग तब तो रोजाना पूजन भक्ति। तो टोटरमल जी ने कहा कि सुन, अरहंत आदि की पूजन भक्ति करने से तेरे इन सारे लौकिक कार्यों की पूर्ति होती है। जवाब दिए टोटरमल जी ने, सब कार्य संपन्न होते हैं, लौकिक कार्य भी सारे संपन्न होते हैं, लौकिक काम भी भगवान की भक्ति करने से, भगवान की पूजन करने से। पेज नंबर 7 की बात कर रहा हूं, खोल करके देखना। फिर नीचे चलते हुए नीचे से दूसरी लाइन में लिखा, परंतु क्या माने, नीचे उतर करके फिर क्या कहते हैं, पहले तो हमारे को खूब, हाँ बेटा बिल्कुल सारे काम होंगे तेरे, तू चिंता मत कर, भगवान की भक्ति कर, रोज पूजन कर, तेरे सारे काम संपन्न होंगे। फिर नीचे उतर करके क्या कहते हैं, संपन्न तो होंगे परंतु ऐसे प्रयोजन को लक्ष्य में रख के पूजन भक्ति करने से पुण्य की जगह उल्टा पाप ही बंधता है, इसलिए इस प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर पूजन भक्ति करना सर्वथा अयोग्य है। उठा के देखना लाइनें, बोले लौकिक कार्य तो भिखारी बन के आया है कि भक्त आया था हमारे सामने। लौकिक कार्य की दृष्टि से भक्ति नहीं करना, क्या ये बात अपने दिमाग में रख करके भगवान की भक्ति पूजन मत करना। एक डांट लगाई खींच करके उन्होंने, ये तो खुश हो गया था, ये तो आप तो रोज करूंगा, आप तो रोज करूंगा, क्योंकि मेरे तो ये काम होना है ना। उन्होंने कहा ऐसा काम रख के, प्रयोजन रख करके तू यदि भक्ति पूजन करे, गलत फहमी में है, धोखे में मत रहना, पाप बांधे, उस जाति का, उत्कृष्ट जाति का पुण्य भी नहीं बंधेगा। तो निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजन भक्ति कर, उनके गुणों की आराधना कर, अपने आप पुण्य बंधता है, अपने आप काम संपन्न होंगे, सब होता है, स्वयं होता है, अपने आप होता है, लेकिन करने के लिए ये गलत है। यार दिवाली का सीजन है, थोड़ी सी अच्छी कमाई हो जाए, क्या भगवान आपके क्या एक गोला के 5 गोले चढ़ाऊंगा इस बार, 5-5 मंदिरों में जाकर के पूजन करूंगा, दर्शन करूंगा, जा जा करके थोड़ा सा, बस इतना सा। हाँ बोलो, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, वो मार्मिक बातें हैं भाई, गहराई से विचार करो तो ये बातें सब समझ में आती है। ये कहते हैं ना बार बार नियाल जी साहब जो बार बार बात कहते हैं, सुनता तो है, समझ में विचार नहीं करता है, लगती नहीं है, लगती नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो यहाँ बैठी हुई है ये सभा में किसी ने सुनी नहीं, सबने सुनी है बातें, तो बातें तो घूम फिर करके यही आएगी, लेकिन ये बार बार चोट पड़नी चाहिए, बार बार हमारी मान्यता के ऊपर, मिथ्या मान्यता के ऊपर, उल्टी मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए, बार बार चोट पड़े तब जाकर के कहीं वो लगेगी। कहते ना करत करत अभ्यास से रस्सी आवत जात थे सिर पर पड़े निशान, बार 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 बार। मैं आपसे कहता हूं बतलाइए, कोई बड़ा शिला है, पत्थर की शिला, उसके ऊपर हमने एक गिलास पानी डाला तो कितने निशान पड़ेंगे? कुछ भी नहीं पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो, एक गिलास डालेंगे तो निशान नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, पानी के छेद नहीं होगा बड़े शिलाखंड में, नहीं होगा। अच्छा फिर एक गिलास और डाला तत्काल, नहीं, फिर एक गिलास और डाला, और नॉन स्टॉप हम एक एक गिलास डालते रहे पानी उसके ऊपर, बोलो फिर क्या होगा? बोलो 6 महीने तक लगातार उसके ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता रहे, बोलो नल से पानी टपक रहा है, एक बूंद पानी जमीन पे गिरा, 6 आप चले गए कहीं बाहर और 6 महीने तक एक एक बूंद पानी टपकता रहा, अब बताओ पत्थर का क्या होगा, नीचे छेद होगा कि नहीं होगा? ये है डेली प्रैक्टिस का लाभ, डेली डेली डेली, रोज 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 रोज, नहीं एक दिन में कर लेंगे। अरे भाई वो पंक्तियां पढ़ी थी, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, एक दिन में काम नहीं होता है,
रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज पूजन करनी पड़ेगी, रोजाना पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोजाना याद करना पड़ेगा, रोजाना रिवीजन करना पड़ेगा, रोजाना दोहराना पड़ेगा। ये वेद विज्ञान की चर्चाएं, ये अकर्तावाद की चर्चाएं बार 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 चलती रहे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि दो टुकड़े हो जाएंगे इस मिथ्या मान्यता के, दो नहीं तीन टुकड़े हो गए। काम तो ऐसा होगा। अब तुम सोचे कुछ होता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं। आज तुमने बीज बोया, मान लो जमीन में अभी बोया है, और आधे घंटे बाद में देखे, देखे क्या हुआ, कुछ निकला तो नहीं, खोद खोद करके देखे बीज का क्या हुआ, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, बार बार में देखे होगा नहीं, तो पांच दिन शांति रख, तीन दिन शांति रख, बार बार में चेक मत कर, एक बार वो काम होने दे रेगुलर। कुछ होता तो है नहीं साहब, 15 दिन से आ रहा हूँ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मैं यदि बड़े पंडित जी के शब्दों में बात करूँ ना आपसे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब तकलीफ बहुत है, कोई उपाय बताओ। एक ही उपाय है, तो आकर के स्वाध्याय कर। कि साहब आकुलता टेंशन बहुत रहती है, स्वाध्याय में आया। कि साहब 10 दिन हो गए स्वाध्याय करते हुए, फिर भी कोई उपाय हुआ नहीं, आकुलता कम नहीं होती है, और आ रोजाना। जैसा बहुत समय से आ रहा हूँ और रोजाना 1 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिल रही, चैन नहीं मिल रही, तो तू एक काम कर, खुराक मिला दे। 2 घंटे एक टाइम करता था ना, 1 घंटे करता था ना, 2 घंटे करना शुरू कर। जैसा 2 घंटे कर रहा हूँ सब काम नहीं हो रहा, तो क्या करें, 3 घंटे करना शुरू कर। किसी डॉक्टर को हमने जा करके दिखाया, उसने दवाई दी और हमने जा करके दवाई दी और तबीयत ठीक नहीं हुई, और डॉक्टर के पास में गए दोबारा, तो डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर साहब दवाई बदल दो। नहीं, दवाई तो यही है, दवाई तो यही है कि साहब ठीक नहीं हो रहा है, एक काम कर डोज बढ़ा दे। 25 mg कर, क्या 25 mg ले रहा था ना, 50 mg लेना शुरू कर दे, 100 mg की चालू कर दे। क्यों क्यों, खुराक बढ़ा दे उसकी, डोज बढ़ा दे उसकी। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, यदि आत्म कल्याण करना हो, आत्मोद्धार करना हो, जीवन में यदि आकुलताओं पर विजय प्राप्त करनी हो, यदि जीवन में सर्व टेंशनों से मुक्ति प्राप्त करनी हो, यदि आपको जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना हो, तो क्या करें। बोले ये खुराक है स्वाध्याय तत्व चिंतन मनन, के साथ खूब किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, खुराक बढ़ा दे। इतना किया लेकिन फिर भी लाभ नहीं हुआ, और बढ़ा दे। किताब लाभ नहीं, और बढ़ा दे कि 4-4 घंटा करता हूं फिर भी कुछ नहीं होता है, और बढ़ा दे। किताब इससे ज्यादा के प्राण दोगे क्या हमारे, कि प्राण तो तेरे निकल रहे हैं इसके बिना, क्या हम क्या प्राण लेंगे तुम्हारे, इसके बिना, इस तत्व ज्ञान के बिना तेरे प्राण अभी निकले कहां है, निकलेंगे, रोएगा तू। हम कह रहे हैं खुराक बढ़ा दे, हम कह रहे हैं टाइम बढ़ा दे, हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ा दे, हम कह रहे हैं झोंकते जितना बचा है समय इसके लिए, यदि तू आत्मकल्याण चाहता हो तो। नहीं नहीं क्या कितना करूं, अभी तक तो कर लिया। नहीं होगा, रुचि की जरूरत है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां भाई, सांसारिक कार्यों को सफल बनाने के लिए, बनाने की भावना से दान पूजा करने की प्रवृत्ति ये गलत है, इस भावना से ये काम मत करना। अच्छे नंबर आ जाए इसलिए पूजन करके काम शुरू मत करना, नमोकार मंत्र पढ़ के शुरू मत करना, सहज आकुलता से बचने के लिए जो होगा सो स्वीकार है। दान पूजा दिख से पुण्य कर्मों का बंद होना, देखो दान दिया, पूजन करी, जाप किया, स्तुति की, भक्ति की, वीतरागता सर्वज्ञता का चिंतन किया, इससे पुण्य कर्मों का बंधन होना तथा उससे कार्य संपन्न होना, यह तो सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसका निषेध नहीं समझना चाहिए। माने अच्छे कार्य से सहज ही पुण्य बंधता है, और पुण्य बंधने से उसके फल में सहज ही आपके कार्यों की सिद्धि होती है, यह निमित्त निमित्तिक संबंध समझना चाहिए। कार्य तो अपनी योग्यता से होता है, इस महासिद्धांत को भी अपने लक्ष्य में रखना चाहिए। हम सभी इन बातों को गहराई से समझें,
जिनाघर की इन विवक्षाओं को गहराई से समझकर हमारी डे टू डे लाइफ में इन सिद्धांतों को निरंतर नियमित अप्लाई करते रहें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।